पर्यावरण संरक्षण में जुटी सामाजिक संस्था हरित प्राण ने कोरोना काल में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए शहर के बाजारों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया और लोगों से चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने का आह्वान किया। आज भी साप्ताहिक लॉकडाउन में संस्था ने अपनी हरित एम्बुलेंस के 1200 लीटर के टैंकर में 1% सोडियम हाइपोक्लोरेट का सॉल्यूशन बनाकर शहर की सड़कों पर छिड़काव किया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश बंसल ने हरित एम्बुलेंस को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अभी तक हरित एम्बुलेंस का प्रयोग बीमार पेड़ पौधों की चिकित्सा और सूखे पेड़ पौधों को पानी के लिए किया जा रहा था, मगर कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर शहर को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने शहरवासियों से तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए अपने आसपास सफाई रखने, चेहरे पर मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने का आह्वान किया। नमस्कार, मैं हरित प्राण से हूँ दिनेश बंसल। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ौत बागपत क्षेत्र में ये जो हरित एम्बुलेंस है, ये संरक्षण में हम पौधारोपण का काम करते हैं और जो बीमार पेड़ पौधे हैं उनकी हम चिकित्सा करते हैं और सूखे पेड़ पौधों को पानी हम इस हरित एम्बुलेंस के द्वारा हम देते हैं। कोरोना ने जैसे कि विकराल रूप पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में धारण किया हुआ है और उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन भी है, ऐसे में शासन की और प्रशासन की ऐसी अपेक्षा जनमानस से और सामाजिक संगठन से है कि वो अपने आसपास सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें और साफ सफाई का, मास्क का और 2 गज की दूरी, जो सामाजिक दूरी है, उसका पालन जनमानस करता रहे। इसी क्रम में जो हमारी हरित एम्बुलेंस है, इसमें करीब 1200 लीटर का इसमें पानी आता है। इसका 1% हमने सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन बनाया है। जो हमारी हरित प्राण की टीम है, ये लॉकडाउन के टाइम पर सड़कों पर निकल रही है और पूरे नगर को, हम मेन मार्केट को, हम सैनिटाइज करने का प्रयास करेंगे। मेरी जनमानस से यही अपील है कि कृपया अपने आसपास में साफ सफाई का और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें, साथ में मास्क और 2 गज की दूरी, ये हमें कोरोना से लड़ने के लिए एक बड़ा कारगर